सभी माता पिता के लिए उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। तो ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल कैसा हो। स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चा खेल खेल में ही सारी चीज़ें सीख जाए। स्कूल में ना केवल बच्चों के एकेडमिक्स, खेलकूद, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर बल दिया जाता है। हमारा विद्यालय केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल बरनाला भी बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। हमारे विद्यालय का प्रांगण बहुत सुंदर और आकर्षक है। यह बाला स्कीम यानी बिल्डिंग एस लर्निंग एड स्कीम पर आधारित है। दीवारों पर बनी चित्रकारी को ही देखकर बच्चों के कई कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हमारे स्कूल में ना केवल एक्सपीरियंस्ड वेल क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स हैं, इसके साथ साथ हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत विकसित है। सभी कक्षाओं में प्रोजेक्टर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यालय के खेल प्रांगण में व्यर्थ सामग्री का सदुपयोग कर आधुनिक तकनीक से बने झूले हैं। हमारे विद्यालय में आधुनिक तकनीक से बनी लेबोरेटरीज, अटल टिंकरिंग लैब्स और म्यूजिक रूम भी हैं। हमारे प्रधानाचार्य श्री कुलबीर सिंह जी व सभी अध्यापक गणों की यही कोशिश रहती है कि वो छात्रों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई एवं मनोगतिशील विकास करवा पाएं। हमारा विद्यालय केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसकी नींव ही ज्ञान एवं जीवन मूल्यों पर टिकी हुई है। हमारे विद्यालय में कक्षा एक के दाखिले की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2021 से 19 अप्रैल 2021 तक चलेगी। KVS में एडमिशन के लिए आपको kvsonlineadmissions.kvs.gov.in पर अपने बच्चे को रजिस्टर करवाना होगा। एडमिशन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़रूरी है बच्चे की जन्म की तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ। केंद्रीय विद्यालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत बच्चे का जन्म 31 मार्च 2014 से 1 अप्रैल 2016 के बीच में हुआ होना चाहिए। दिव्यांग छात्रों के लिए 2 साल की विशेष छूट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने पड़ेंगे, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ब्लड ग्रुप प्रमाण पत्र, 2 तस्वीरें, जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांग छात्रों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ता है। दाखिले की प्राथमिकता निम्नलिखित आधार पर की जाएगी। पहली प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाएगी जिनके माता पिता केंद्रीय सरकार कर्मचारी हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं। दूसरी प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाएगी जिनके माता पिता ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। तीसरी प्राथमिकता उन छात्रों को दी जाएगी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। चौथी प्राथमिकता उन छात्रों की है जिनके माता पिता ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। वर्ग 5 में वे सारे छात्र एडमिशन पा सकते हैं जो ऊपर दी गई किसी भी वर्ग में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। शुल्क संरचना। विद्यालय शुल्क 4 किश्तों में तय होगा, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहले क्वार्टर यानी कि अप्रैल से जून में आपसे ₹1500 शुल्क एवं ₹25 एडमिशन फीस ली जाएगी। दूसरे क्वार्टर में यानी कि जुलाई से सितंबर तक ₹1500। तीसरे क्वार्टर में अक्टूबर टू दिसंबर ₹1500 और चौथे क्वार्टर में जनवरी से मार्च ₹1500 लिए जाएंगे। आरक्षण संबंधी नियम। नियमानुसार कुल सीटों के 15% सीट शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए, 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए एवं 3% सीटें डिफरेंटली एबल कैटेगरी के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। कक्षा एक में कुल 80 सीटों के लिए एडमिशन्स किए जाते हैं, जिनमें से 20 सीटें RTE के लिए, 12 सीटें SC कैटेगरी के लिए, 6 सीटें ST कैटेगरी के लिए और 22 सीटें OBC कैटेगरी के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अधिक जानकारी के लिए स्कूल की मेल ID, प्रवेश हेल्पलाइन या स्कूल की वेबसाइट पर संपर्क करें। आपकी सुविधा के लिए स्कूल में ही हेल्प डेस्क की सुविधा उपलब्ध है। आप जरूरी डॉक्यूमेंट स्कूल में लाकर भी ये फॉर्म भरवा सकते हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन।